झारखंड में शराब और जमीन घोटाले में ईडी राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के रांची स्थित निजी आवास सहित 5 शहरों में 32 ठिकानों पर बुधवार सुबह से छापेमारी कर रही है। रांची के बरियातू में राज्य के मंत्री के पुत्र का भी आवास है, वहां भी सुबह से सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब कारोबार में मंत्री पुत्र का भी पैसा लगा है। रांची की एक वाहन एजेंसी के संचालक विनय सिंह, जमीन कारोबारी अभिषेक झा और कांग्रेस नेता मुन्नम संजय के घर पर भी रेड पड़ी है। 100 से ज्यादा अधिकारी छापेमारी में लगे हैं। रांची के अलावा धनबाद, दुमका, देवघर, गोड्डा में जिन ठिकानों पर छापेमारी हो रही है वो झारखंड में शराब कारोबार के संचालक रहे योगेंद्र तिवारी उनके सहयोगियों के हैं। ईडी को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राज्य में शराब कारोबार में घोटाले के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर मार्च महीने में आयकर का भी छापा पड़ा था। इस दौरान पता चला था कि उन्होंने 15 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति अर्जित की है। आयकर विभाग ने समन जारी कर योगेंद्र तिवारी को 27 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था। सर्वे के दौरान मिले दस्तावेज के आधार पर शराब कारोबारी की कंपनी के निदेशक संतोष मंडल ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने की बात स्वीकार की थी।